प्यारे दोस्तों, आज के इस क्लास में हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं क्लास ट्वेल्थ हिंदी का एक वायरल क्वेश्चन पेपर, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपका 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर आपका होने वाला है। तो जितने भी छात्र 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, हिंदी के इस टाइप के मैं आपको 7 सेट कराने वाला हूं, यानी कि 7 ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको कराए जाएंगे जिनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में जो आपका हिंदी में आपको 95 प्लस जो आप टारगेट लेकर के चल रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम में आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। और लगातार आप लोग कमेंट भी करते हैं कि भैया हिंदी की तैयारी हमारी नहीं हो पाई है और इंग्लिश की तैयारी नहीं हो पा रही, बाकी के सब्जेक्ट तो हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो भाई अब आपको टेंशन नहीं लेना, हिंदी के इस टाइप के आपको मैं 7 सेट कराऊंगा, इंग्लिश के भी आपके इस टाइप के 7 सेट कराए जाएंगे। और अगर आप लोग यहां पर इन क्वेश्चन पेपर से ही तैयारी कर लेते हो तो यहां पर हिंदी में देखो बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और सारे वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के आ जाते हैं अगर आप इनको मॉडल पेपर को ही तैयार करके इस टाइप के क्वेश्चन पेपर को ही तैयार कर लेते हो। तो चलो हम लोग यहां पर शुरू करते हैं। देख सकते हैं यहां पर आपको क्या करना है भाई, अनुक्रमांक होता है और यहां पर नाम जो पेपर में आपका इसी तरीके से आपका पैटर्न आपका आने वाला है। टोटल इसमें 12 पेज रहेंगे पेपर में। इसका पेपर का जो कोड हिंदी का आपका आज का होने वाला है 302ZJ, ठीक है, ये कोड हमारा होने वाला है। बिल्कुल एकदम न्यू पैटर्न पर आधारित ये पेपर आपका होगा। 3 घंटे 15 मिनट आपका टाइम होने वाला और पूर्णांक आपका रहेगा 100 नंबर का, हिंदी में आपको पता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को हम लोग। यहाँ पर इसका नोट्स जो दिया गया है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर प्रारंभ के 15 मिनट पेपर को परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और निर्देश में यहाँ पर दिया गया कि सभी प्रश्न क्या है अनिवार्य है और ये पेपर आपका 2 खंडों में बटा रहेगा, खंड का और खंड खा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं, यहां से देखिएगा, ध्यान समझिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है ऑब्जेक्टिव टाइप में। देखो जो आपका ऑब्जेक्टिव आएगा बोर्ड एग्जाम में ये 10 नंबर का रहता है हिंदी में, है ना, क्लास 12th हिंदी में ऑब्जेक्टिव 10 नंबर का, हिंदी गद्य और पद्य दोनों से रहता है 5-5 नंबर। तो यहां पर देखिएगा पहला आपका क्वेश्चन है भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं बताइए। तो यहां पर आपके सामने भाई 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या है, 4 विकल्प है, मुंशी सदा शुक्लाल हो गया, लल्लू लाल हो गया, राम प्रसाद निरंजनी, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो राइट आंसर चूज करना है, जो कि आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा भाषा योग वशिष्ठ आपका राम प्रसाद निरंजनी, है ना। तो आप लोग इसको चूज कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका यहां पर क्या है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो यहां पर दिया गया है 3रा, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहां पर इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर दिया गया भाई सदल मिश्र की रचना है, सदल मिश्र की रचना इनमें से कौन सी है। देखो यहां पर आपके सामने ऑप्शन दिया गया सत्यामृत प्रवास, नासिकी तोपाख्यान, सौभाग्य भारत सौभाग्य और भूतनाथ। तो यहां पर राइट आंसर आपको चूज करना है, तो यहां पर जो आपका सेकेंड विकल्प है वो आपका सही हो जाएगा, है ना, दूसरा ऑप्शन। ऑब्जेक्टिव देखो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपके तैयार हो जाएंगे। अगर आप सोचो कि एक दिन में सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो ऐसा देखो होने वाला नहीं है। तो लगातार जितने क्वेश्चन पेपर या जितने प्रकार के वीडियो आपके सामने आते जाए हिंदी के, आप उनको तैयार करते जाओ, हिंदी में आप आराम से 95+ स्कोर कर दोगे। और इसके लिए भाई सबसे इंपॉर्टेंट देखो होता है, मैं आपको बता दूं, आपकी थोड़ा बहुत लिखावट अच्छी होनी चाहिए। देखो हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान दो आप लोग। जैसे इस टाइप के मॉडल पेपर मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन पेपर आपको मैं नोट्स में भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ 99 रुपीज में, उनको क्या करो आप लोग बैठ जाओ और डेली कहीं ना कहीं उसको सॉल्व करते रहा करो। और इससे देखो सॉल्व करने से ही प्रैक्टिस बढ़ती है, क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट एग्जाम में पहुंच जाओगे और इससे पहले एक भी बार आपने पेपर को सॉल्व नहीं किया होगा, मॉडल पेपर हो या कोई भी हो, तो फिर देखो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट इसमें नहीं होने वाला। तो इसलिए थोड़ा बहुत सॉल्व करने का आप लोग प्रयास किया करो, तो इसमें आप लोग कर लीजिएगा, बाकी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, यहां पर देख सकते हैं आपके सामने है क्वेश्चन नंबर गा, इसमें कह रहा चंद्रकांता संतति कृति की विधा, यहां पर आपको विधा बतानी। तो यहां पर ये किस विधा की रचना है, देखो निबंध नाटक कहानी उपन्यास जो भी दिया गया, तो आप लोग इसमें कर लेंगे उपन्यास, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहां पर दिख रहा है उपन्यास, ये आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। चंद्रकांता क्या है भाई, उपन्यास विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर घा है कि बालकृष्ण भट्ट संपादक थे। बालकृष्ण भट्ट यहां पर इंदुमती हो गया, परीक्षा गुरु हो गया, हिंदी प्रदीप और साहित्य सहचर। तो यहां पर हिंदी प्रदीप आपका क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चूज कर लेंगे हम लोग हिंदी प्रदीप क्या है, ये बालकृष्ण भट्ट जी की कृति है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया, अंगा नंबर देखो, वासुदेव अग्रवाल की रचना है बताओ। तो यहां पर आप लोग चूज कर लेना वाग्यधारा, कौन सी भाई साहब, वाग्यधारा क्या है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी की कृति है, इसमें आपको चूज कर लेना है ऑप्शन नंबर 2 को। चलिए तो यहां से देखो आपके हो गए 5 क्वेश्चन जो कि हिंदी आपका गद्य से है ना।
तो इसको कर लेना। आप देखो काव्य से देख लेते हैं, इसी प्रकार के पांच ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो पहला देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर टू में स्टार्ट होता है, का नंबर, जिसमें कह रहा है कि कितनी नावों में कितनी बार ये कृति है, ठीक है ना, कितनी नावों में कितनी बार, कह रहा है काव्य कृति है। एक नंबर का क्वेश्चन है, गिरिजा कुमार माथुर की, नागार्जुन, सच्चिदानंद हीरानंद वसायन अज्ञेय की, या आपका हरिवंश राय बच्चन की। तो यहां पर देखो आपका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वसायन अज्ञेय, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर गा या बोले तो तीसरा विकल्प जो है वो बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सही विकल्प है, ठीक है। तो कर लेना आप लोग यहां पर तीसरा ऑप्शन चूज। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर खा में कह रहा है छायावाद की प्रमुख विशेषता है बताओ। तो छायावाद की विशेषता यहां पर आपका हो जाएगा हाँ, प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन, उद्दीपन रूप में वर्णन, है ना। तो यहां पर वर्णन कर लीजिएगा आप लोग, इसको क्या कर लेना है वर्णन। तो आपका पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल इसमें क्या है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष। देखो पहला जो था वो 1943 से, और दूसरा जो है 1951, तीसरा 1959। तो यहां पर दूसरा पूछा है ना, तो दूसरा आप लोग कर लेंगे 1951, है ना। ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रश्न में कहा गया है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य देखो आदिकाल का जो आपका है ना, आदिकाल का कौन सा भाई, पृथ्वीराज रासो, वही है हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो आपके सामने देख सकते हैं यहां पर पृथ्वीराज रासो ऑप्शन नंबर फोर में दिया गया, जो कि राइट आंसर इसका हो जाएगा। लास्ट ऑब्जेक्टिव है आपका, यहां पर देख सकते हैं कह रहा है क्वेश्चन मैथिली सेनगुप्त की काव्य कृति है, मैथिली सेनगुप्त जी की काव्य कृति यहां पर हो जाएगी त्रिपथगा, कौन से हो जाएगी भाई त्रिपथगा। तो आप लोग कर लेंगे यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि खा जो विकल्प है दूसरा वाला, ये आपका बिल्कुल सही है, इसको चूज कर लीजिएगा। यहां से आपके देखो ऑब्जेक्टिव पूरे के पूरे भाई साहब क्या हो गए, समाप्त हो गए, है ना। ऑब्जेक्टिव जितने भी थे आपके ये पूरे समाप्त हो गए। अब यहां से आपका स्टार्ट होने वाला है 10 नंबर का गद्यांश और पद्यांश, देखेंगे यहां से, देखिएगा समझना आप लोग ध्यान से, और इसको देखो हल करना काफी इजी होता है। जो बच्चे मतलब कुछ भी नहीं जानते हैं ना भाई, गद्यांश पद्यांश को पहचान पाओ या ना पाओ, आप अगर उसको एक जो है अच्छे तरीके से लिख के आओगे ना, तो नंबर आपको 10 नंबर में 7 नंबर 8 नंबर आराम से मिल जाएंगे। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं देखो अभी आपको मैं बताने वाला हूं, समझिएगा थोड़ा। देखो यहां से है कह रहा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें पूरा गद्यांश को पहले आप पढ़ोगे, देखो पहचान नहीं पाओगे तो दो ही नंबर कटेगा, इससे ज्यादा नहीं कटने वाला, पहचानो या ना पहचानो दो नंबर का फर्क पड़ता है। जैसे अगर पहचान जाओगे तो आप इसका पहला प्रश्न का आंसर दे दोगे, संदर्भ जो लिखना होता है, नहीं पहचान पाओगे तो उसको आप गलत लिखोगे, वही दो नंबर कटेगा। बाकी के जो 8 नंबर है आप उसको आराम से पूरा पूरा लिख के आओगे, और ये मेरी गारंटी है, बस आपको तरीके अप्लाई करना। देखना यहां से कह रहा है इसमें, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है पृथ्वी, हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से या समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। इसमें इस टाइप से पूरा दिया है, आप देखना क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो यहां पर कह रहा है, उपर्युक्त तो गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम, भाई पाठ का नाम क्या है राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेवन अग्रवाल। तो संदर्भ आप लोग लिख दोगे, है ना, इस तरीके से आप लोग जब पहचान जाओगे तभी तो लिखोगे, और अगर नहीं पहचान पाओगे तो फिर क्या लिखोगे आप लोग, यही बताओ, है ना। तो चलिए अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है रेखांकन की व्याख्या, जो अंडरलाइन पोर्शन होगा उसकी व्याख्या करनी होगी। बाकी के अगले जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, यही आप लोग इसमें आके देख लो। राष्ट्र की कल्पना कह रहा है कि अगर पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या है असंभव है। मिल गया आंसर यहीं पर इसी पैसेज में, मतलब इसी टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर करो, पैसेज जब सॉल्व करोगे तो आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ उसी पैसेज में मिलेंगे, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तब। लेकिन देखो काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी में सोचते हैं कि अगर हम 15 मिनट पेपर पढ़ेंगे, इतने 15 मिनट में हम लोग पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा टाइम भी थोड़ा बहुत जो घटेगा वो हमारा इसमें मैनेज हो जाएगा। तो इतनी जल्दीबाजी आपको नहीं करनी, 3 घंटे का जो समय होता है वो बहुत पर्याप्त है, आराम से पेपर को करना है बेहतरीन तरीके से, अच्छी लिखावट के साथ, ताकि जो नंबर है ना बेहतरीन मिले। कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत ही ज्यादा, मतलब काफी सारे छात्र क्या करते हैं देखो,
पेपर को भाई साहब कोई क्वेश्चन कह रहा कि 80 शब्दों में आंसर लिखो, आप लिख रहे हो 150 शब्दों में, तो वो टाइम कहाँ जाएगा, टाइम आपके ही उसी में मैनेज होगा ना। तो आप अगर 80 में कह रहा तो ज्यादा से ज्यादा 90 कर दो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कि आप 150 सवासी के चक्कर में ज्यादा टाइम वेस्ट करो, ऐसा कुछ नहीं। नंबर 5 नंबर का है तो उसमें आपको 5 ही मिलेगा, 10 नहीं मिल जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम को भी बचाकर हमें चलना है। चलिए तो ज्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करते, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी में कह रहा है कि भाई पृथ्वी और जल दोनों के सम्मिलन से क्या बनता है या क्या बनाते हैं। तो यहां पर देख लो आपके सामने कह रहा ना, पृथ्वी और जल दोनों के समन्वय से या सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, यानी राष्ट्र का स्वरूप का निर्माण होता है, यहीं पर आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, इसी में देख सकते हैं पृथ्वी क्या है, पृथ्वी जो है मातृभूमि की संज्ञा कब प्राप्त करती है। तो भाई यहां पर पृथ्वी जो है जन यानी कि लोगों के कारण है ना, तो जन के कारण यहां पर आप देख सकते हैं इसमें बताया गया, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, इसी में आंसर है। अंगलाथवा में करके एक दिया गया, तो अशोक के वृक्ष यहां पर दिया गया ना, अशोक के वृक्ष करके ये वाला, तो इसको आप सॉल्व करने का प्रयास करना, यहां पर ये पूरा का पूरा दिया गया है, इसको इसी तरीके से जैसा मैंने पहले बताया वैसे ही आपको इसको करना है, ठीक है। अब यहां से आपका आता है देखो पद्यांश, गद्यांश को आप ऐसे सॉल्व कर दोगे, पद्यांश वाले जो क्वेश्चन होंगे इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कहां पर होगी देखो, जैसे कि आपका यहां पर है, इसको पढ़ो एक बार, इसमें कह रहा निज जन्म जन्म से सुने जीव यह मेरा, धिकार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, सौभार एक वह सौभार धन वह एक यह एक लाल की माई, निज जननी ने जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, सौभार धन यह एक लाल की माई। देखो ये जो आपका लिया गया कहां से भाई, तो कैकेयी अनुताप जो आपका मैथिली शरणगुप्त जी का चैप्टर है ना, उन्होंने लिखा है, तो वहीं से लिया गया है। अब देखो इसको हम पहचान गए तो भाई हमारा 2 नंबर बिल्कुल फिक्स है। कैसे, देखो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आएगा, वो पूछेगा पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आप क्या लिखोगे, लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत किस चैप्टर से, वो बता दोगे जैसे कि कैकेयी अनुताप से है। फिर बताओगे इसके कवि या इसके रचयिता कौन है, तो मैथिली शरणगुप्त है, इस तरीके से लिख दोगे, मिल जाएंगे भाई 2 नंबर। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की जो व्याख्या, व्याख्या में थोड़ा सा अगर आप समझे रहोगे, क्योंकि भाई व्याख्या में है ही क्या, आप इसी को पढ़ लो। यहां पर कह रहा निज जन्म जन्म से सुने जीव है मेरा, अधिकार उसी था महास्वार्थ ने घेरा, मतलब कहके स्वयं को प्रयासित करते हुए या स्वयं को कोसते हुए यह कह रही कि मेरा जीव जो है जन्म जन्मांतरों तक यही सुनता रहेगा, क्या सुनता रहेगा कि धिकार है उस रानी को जिसने अपने स्वार्थवश ऐसा अनुचित काम किया, सौवार धन्य वह एक लाल की माई, निज जन निज जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, सौवार धन्य है एक लाल की माई। आगे की लाइनें यहां पर आप देख ही सकते हैं, यहां पर इस तरीके से स्वयं को कोस रही है। तो यहां पर और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कह के स्वयं को धिकारते हुए क्या कहती, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि स्वयं को धिकारते हुए यही करें कि आगे आने वाली पीढ़ियां यही कहेंगे कि उस रानी को धिकार है जिसने अपने स्वार्थवत ऐसा जो है काम किया, अनुचित काम किया। बस यहां पर देखिए कह के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते, तो उनसे यही कहते हैं कि सौवार धन्य वह एक लाल की माई, जो भाई साहब मतलब सैकड़ों बार ऐसी मां धन है जिसने भरत जैसे महान भाई को जन्म दिया, क्योंकि भाई कैकेयी जो थी ना उन्हीं का तो पुत्र थे भरत, तो भरत तो कम से कम अच्छे थे ना, उन्होंने जो राज जो भी लिया था उनका तो वो उन्होंने तो स्वीकार नहीं किया, तो मतलब वो धन्य ही तो हुए है ना, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर 5वां भी क्वेश्चन एक दिया गया है, इसको भी आप समझ सकते हैं क्वेश्चन, कैकेयी के प्रभु श्री राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करते हुए सभा क्या चिल्ला उठी, तो बस यही चिल्ला उठी थी कि सौभार धन्य है एक लाल की माई जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया, इसी में आंसर है, ठीक है पूरा का पूरा। इसके बाद यहां अथवा में एक और दिया गया, तो इसको छोड़ देना है, आप कर लेना अपने से, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि कैसे स्वागत किया जाता है, वो आपके सामने है। इसके बाद देखो जीवन परिचय आता है, जीवन परिचय में देखना यहां से कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय, किसी आपको एक का करना है, मतलब आप लोग 3 दिए रहेंगे कोई एक करके चले आओगे, बहुत ही आसान रहता है यार 5 नंबर लाना, मतलब एकदम हिंदी में मैंने बता दिया ना कि हिंदी में 95 प्लस लाना ना बहुत ही जी है, यानी कि अगर आप फिजिक्स में इंग्लिश में केमिस्ट्री में और मैथ में या बायोलॉजी में आपका कोई सब्जेक्ट वीक है उनमें आप नहीं स्कोर कर पाते, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप हिंदी में फोकस करो, हिंदी में कर लिए तो समझ लेना आपका काम बिल्कुल हो जाने वाला बहुत ईजी तरीके से। तो ये आपको यहां पर एक क्या है लेखक का जीवन परिचय लेना है, देखो यहां पर 80 शब्दों में लिखना होता है,
जैसे यहाँ पर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का है, तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस बार आपका ये, और एक आपका वासुदेव सन अग्रवाल जी का आने ही वाला है, तो इनको आपको दो को कर लेना है, ठीक है। कवियों में आप अगर देखो तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का और महादेव वर्मा, ये दोनों एकदम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप इनको रख के चलो, इनको भी कर लेना है। कहानी में भाई मैं आपको बता दूं कि आप पंचलाइट कहानी तैयार कर लो और बहादुर कहानी, दो के अलावा आप कोई भी कहानी मत पढ़ो, दो में आपका बिल्कुल फिक्स है कि इनमें से पंचलाइट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पांच नंबर यहां से फिक्स हो जाएगा। बाकी लिखना कैसे है वो तो भाई साहब वीडियो चैनल पर आ ही रही हैं, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो, सिर्फ जो चीजें बताई जाती हैं आप करो। मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप सात सेट कर लोगे हिंदी के तो हिंदी में आप आराम से बिल्कुल 95 प्लस स्कोर कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इसकी मेरी गारंटी है भाई हिंदी की, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। बाकी के सब्जेक्ट पर थोड़ा आपको मेहनत देखो ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि यार फिजिक्स है, केमिस्ट्री है ना, इनमें ज़्यादातर आपको प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश में भी काफ़ी सारे छात्रों को याद करने में प्रॉब्लम है, तो उसकी टेंशन मत लो। देखो आपको हिंदी का थोड़ा बहुत ऐसे मॉडल पेपर करते जाना है, जो चीज़ें बताई जाए उनको सॉल्व करते जाना है, आपका हो जाएगा। बाकी आप ज़्यादा फोकस करो फिजिक्स केमिस्ट्री पर, ठीक है। तो चलिए अब खंड काव्य देखो, ये तो भाई फ्री का नंबर है, पांच नंबर फ्री के मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं आपके जिले में बताया जाता है, आपके हिंदी के जो टीचर आपके स्कूल में आपके क्लास में जो पढ़ाते हैं उनसे एक बार पूछ लो कि सर हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य आता है। जैसे यहां पर आपके सामने भाई दिया गया ना, स्वपठित बोल रहा है तो मान के आपके जिले में जो पढ़ाया जाता है वही होता है। 80 शब्द सीमा होती है लिखने की, मुक्ति यज्ञ हो गया और इसके साथ यहां पर त्यागपति हो गया, ठीक है, त्यागपति में अथवा हर जगह पर आपको लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। इसके बाद सत्य की जीत है, आलोक व्रत है, श्रवण कुमार है और रश्मि रथी है। तो आपके जिले में, ठीक है ना, आपके जिले में जो भी पढ़ाया जाता है उसको आप अपने जो है सर से पूछो पहले, हिंदी वाले जो हमारे टीचर होते हैं ना, हमारी क्लास में जो पढ़ा रहे हैं उनसे पूछना है कि सर हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य आता है, और अगर वो नहीं बता रहे हैं तो फिर आप लोग कमेंट करो या मुझे बताओ कि भैया आप बता दीजिए हमें नहीं पता है, सर नहीं बताए हैं या कुछ भी है, तो फिर मैं आपको उसका एक वीडियो ला दूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है ये ज़्यादा इतना जो है कठिन चीज़ नहीं है, लगभग हर एक सर बता देते हैं, हिंदी के टीचर जो होते हैं वो बता ही देते हैं, क्योंकि भाई बहुत सालों से पढ़ा रहे होते तो इतना तो पता होता है कि हमारे जिले में कौन सा आता है ना, तो आपको सर बता देंगे, तो आप पूछ लेना एक बार थोड़ा सा, है ना, इतना करके। चलिए तो अब यहां से देखो खंड खा स्टार्ट होता है, 50 नंबर का टॉपिक यहां से आएगा, ठीक है। इसमें देखो आपका संस्कृत आती है, खंड का जो खा जो होगा इसमें आपका संस्कृत रहेगा, व्याकरण भी रहेगी, है ना, निबंध हो गया, पत्र लेखन हो गया, रस छंद अलंकार हो गया, जो दो दो नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी रहते हैं। जैसे आपको पहले सात नंबर का यहां पर एक टॉपिक आता है, क्या भाई, हिंदी संदर्भ अनुवाद, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है, जैसे ये एक दिया गया है और अथवा करके एक और दिया रहेगा, जैसे कि यहां पर दो है तो संदर्भ लिखोगे आप, हिंदी अनुवाद इनका करोगे तो किसी एक का, ठीक है ना, चाहे आप ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, तो आपको सात नंबर यानी दो नंबर संदर्भ का और पांच नंबर आपका हिंदी अनुवाद का, इस तरीके से सात नंबर यहां पर मिलते हैं। ऐसे ही आपका चलता है भाई इसमें श्लोक के अंतर्गत, ठीक है। जैसे श्लोक में अगर आप देखो तो दिया गया कह रहा है कि दिए गए संस्कृत पद्यांशों का है, पद्यांशों को ही श्लोक आप बोल सकते हो, ठीक है ना, श्लोक क्या भाई यही है, पद्यांश ही बोला जाता है इनको। जैसे भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाणी भारती तस्या ही मधुरम मुख्या मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, तो ये आपका दिया गया है, जैसे सुभाषित रत्नानी से है तो आप इसको कर दोगे, है ना, तो आप इसका संदर्भ लिखोगे कहां से लिया गया है, है ना, और अनुवाद में आपको हिंदी अनुवाद बता देना है। दो रहेंगे किसी एक का करना रहता है, है ना, दो रहेंगे आपको किसी एक का ही आपको करना रहता है, ये चीज आप लोग हमेशा याद रखना, ठीक है ना। तो चलिए किसी एक का आप करके चले आना, यहां पर बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां पर आपके सामने आता है भाई अंगला, यहां पर अथवा में भी एक दिया गया है, सहसा विदधित क्रिया विवेक परम पादम पदम व्रगुते का व्रगुते ही विस्मृत कारणम कुगब लुब्धा ही स्वयमेव संपदा। थोड़ा सा संस्कृत क्या है ना यार, पढ़ने में थोड़ा सा इसको हम लोग क्या होते हैं कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब हर व्यक्ति बराबर संस्कृत को नहीं पढ़ सकता, इसमें ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं, बड़े बड़े जो शब्द आ जाते हैं कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो उनको क्या करना भाई समझना है अच्छे तरीके से, बाकी ज़्यादा आपको इसको सीरियस नहीं लेना,
क्योंकि आप हिंदी वाले छात्र हैं, आपको सिर्फ नंबर चाहिए, तो आप अगर थोड़ा सा ट्रिक लगाओगे तो यार आराम से हिंदी में नंबर आ जाते हैं। आप देखना यहां से दो दो नंबर का ये टॉपिक आता है, देखो मुहावरे और लोकोतियां कह रहा है किसी एक का आपको लिखना है, किसी एक का, ठीक है। जैसे अंगूठा दिखाना है ना, पहाड़ टूटना पड़ना, पहाड़ टूटना बोलते हैं ना, किसी के ऊपर जो है बहुत ज्यादा दुख हो आ जाता है अचानक से, तो उसको बोलते हैं पहाड़, दुखों का पहाड़ टूट गया, है ना। ऐसे ही भाई धूल क्या है, धूल में मिलाना, है ना। पानी पानी होना, जैसे शर्म शर्म आना, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। तो अर्थ लिखोगे और फिर क्या करोगे, अपने वाक्यों में प्रयोग कर दोगे, वो हो जाता है आपका दो नंबर का पूरा टॉपिक। किसी एक को करना है, चार दिए गए कोई एक करके चले आना। अपठित गद्यांश नया पैटर्न में जुड़ा इस बार आपके, देखो 2024 से चल रहा है, इसमें पांच नंबर का ये आता है। जैसे कि बोल रहा है कि किसी एक का को करना है, का नंबर है ना, यहां पर पांच नंबर का ये टॉपिक है। किसी देश की उन्नति अथवा अवनति वहां की नारी समाज पर निर्भर करती है। जिस देश की नारी जागृत शिक्षित और तथा गुणवती होती है वही देश संसार में सबसे अधिक उन्नत समझा जाता है। इस तरीके से पूरा बहुत ही इजी रहता है, बहुत ही आसान रहता है। देखो इसके क्वेश्चन किस तरीके से एकदम हलवा टाइप के क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर, आप अभी देखना थोड़ा सा। देखो पहला क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन रहेंगे, कह रहा जीवन के लिए कौन से साधन महत्वपूर्ण बताए हैं। बस आसान सा है, उसी में पैसेज को अच्छा पूरा तरीके से पढ़ लोगे तो एकदम हिंदी का यार अनसीन पैसेज क्या ही नहीं आप सॉल्व कर पाओगे। ऐसे भाई देखो यहां पर कह रहा है उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए, निर्धारित कीजिए किस टॉपिक पर बताया गया है, है ना, वो बता देना है। भारत में नारी का महत्वपूर्ण स्थान किस काल में था, है ना, इसी में है, आप देखना पूरा अच्छे तरीके से, पूरे आंसर यहीं पर मिलेंगे इसी में। देख लो यहां पर ये बताएगा ना, उस समय भारत में सब देशों का सिरमौर माना जाता था, जैसे सरस्वती लक्ष्मी और दुर्गा आदि देवियां विद्या धन और शक्ति के प्रति मानी जाती थी, है ना। तो ज्यादातर क्या भारतवर्ष में नारियों को सम्मान मिलता है, अदर किसी कंट्री में आप चले जाओगे तो इतना ज्यादा मतलब स्त्रियों को सम्मान नहीं दिया जाता है जितना हमारे भारत में। लेकिन हाँ आज के टाइम पर भाई साहब भारत में सम्मान भी मिलता है और साथ ही आप देखें तो बहुत ही ज्यादा क्या है गलत काम भी हो रहे हैं, है ना। तो आप समझदार हैं तो परंपराएं हैं, देखो यहां पर शुरुआत से संस्कृति है जो चली आ रही है वही आज के टाइम पर चल रही है। बाकी अथवा में भी एक देखो यहां पर दिया रहता तो उसको कर लेंगे। इसके बाद यहां से भाई प्रश्न संख्या 11 स्टार्ट होता। आप देखो इसमें कह रहा है जैसे कि 11 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करके लिखिए। आप देखो यहां से जैसे कि दिया गया पहला नंबर सकल और शक्ल, सकल का मतलब होता है संपूर्ण, है ना, इस सकल का मतलब संपूर्ण हो जाएगा और शक्ल मतलब हो जाएगा खंड। तो इसका देखो यहां पर इस तरीके से इसको सही कर दोगे। ऐसे ही भाई यहां पर है अंश और अंशु, अंश का मतलब भाग और सूर, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। अगला देखो यहां पर है किसी कह रहा कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखो। किसी एक शब्द के आपको कितने दो अर्थ लिखने, जैसे कि धारा है, मित्र है, जलज है। तो धारा का जैसे आप लिख सकते हो क्या भाई, धारा का लिख सकते हो पृथ्वी, है ना, जैसे भूमि भू कर सकते हो या पृथ्वी बोल सकते हो, है ना, पृथ्वी या आप भूमि बोल सकते हो, है ना, वसुंधरा भी बोल सकते हो इस तरीके से। मित्र का जैसे शाखा बोल सकते हो, है ना, शाखा, सहयोगी, है ना, सहयोगी, ऐसे ये हो जाएगा। जलज के लिए बादल, कमल, इस तरीके से कर सकते हो। तो कोई एक आपको करना है किसी एक का, ठीक है ना, तो आप आराम से इनको कर लोगे। इसके बाद देखो ना यहां से अगला आता है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही शब्द का चयन करो जिसका कभी अंत ना हो, उसको क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा जानने की इच्छा रखने वाले को भाई जिज्ञासु बोलते हैं, ये हो जाएगा। अब वाक्यों को क्या करना है, शुद्ध करके लिखना है। जैसे कि परीक्षा पद्धति बदलना चाहिए तो इसको क्या कर दोगे, परीक्षा पद्धति बदलनी चाहिए, ये हो जाता है इसका सही, है ना। तो दो वाक्य सही करने, चार दिए गए हैं। मैंने अनेकों बार यात्रा की है, ऐसे ही यहाँ पर है केवल यहाँ चार पुस्तकें रखी हैं। महादेव वर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री हैं, इनको सही करके लिख दो। यहां से भाई रस अलंकार में देखो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताएंगे भाई, इतना पढ़ लो छह नंबर यहां से भी क्लियर हो जाएगा। दो दो नंबर का आता है रस, दो नंबर का छंद, दो नंबर का अलंकार। जैसे आप देखो तो श्रृंगार रस वीरस दोनों इंपॉर्टेंट है, इनका लक्षण लिखना यानी परिभाषा और इसका फिर एक उदाहरण देना होगा। श्लेष और उत्प्रेक्षा इसका भी उदाहरण और परिभाषा। सोरठा और कुंडलिया, तो कुंडलिया तो मैं नहीं ज्यादा रिकमेंड करूंगा लेकिन सोरठा कर लो ना और दोहा कर लेना, है ना, दोहा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, सोरठा और दोहा और रोला भी आप कर सकते हो इस बार, ठीक है। तो ये तीन आप लोग कर लेना, कुंडलियों को आप मत करना, उदाहरण के साथ करना ये। बाकी आवेदन पत्रों में देखो आपको बता दे तो ऋण प्राप्ति के लिए बैंक को जो है आपके लिए भाई एकदम
इसी को करके चले जाना, आपका 6 नंबर फिक्स है, ये आएगा ही आएगा, क्लियर है ना, इसको करना ही करना है। और एक आपका ऊपर भी दिया गया तो आप इसको भी कर सकते हैं लिपिक पद पर नियुक्ति के लिए। बाकी निबंध के टॉपिक आप देख सकते हैं, निबंध के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है और निबंध के ऊपर एक वीडियो मैं आपको ला दूंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध जितने भी होंगे आपको मैं उसमें करा दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर मैं आपको ये सेट देखो आज दिखा दिया हूं और आपको मैंने बताया भी है कि कैसे सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो जितने भी बच्चे हिंदी में अभी तक कुछ नहीं पढ़े, इस टाइप के आप लोग सारे के सारे मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेना। इनका मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, जो आप नोट्स ले रहे हैं नोट्स में भी मैं आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करा ही रहा हूं, तो उनसे आप तैयारी करके बेहतरीन तरीके से नंबर ला सकते हो। बाकी आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट में बताना, और क्या इस टाइप के और भी सेट आपके सामने लाए जाएं हर एक सब्जेक्ट के, ये भी आपको कमेंट करना है कि भैया हाँ सारे सब्जेक्ट के जो है सारे सेट करा दीजिए, तो मैं आपको वो सारे सेट आपको सामने जो है जल्दी ला दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।